हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक्सिस बैंक का सबसे ज्यादा डिमांडेड क्रेडिट कार्ड है, बिकॉज आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है अनलिमिटेड कैशबैक। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप तो इस ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंस के फर्स्ट 45 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहां पे जो आपने इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे किया था वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो भी यहां पे बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहां पे जो आपका नेक्स्ट का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कैश विड्रॉल फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का कैश विड्रॉ करोगे उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एस कैश विड्रॉल फीस। और वही यहाँ पे अगर आप फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 3.6% का इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ेगा। लेट पेमेंट फीस का जो स्लैब है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपका जो अमाउंट है वो 501 रुपीज से लेके 5000 के बीच का है तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट 5001 से लेके 10,000 के बीच का है तो 750 रुपीज का आपको यहाँ पे लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। और अगर आपका अमाउंट 10,001 रुपीज से ज्यादा है तो यहाँ पे आपको 1200 रुपीज का जो लेट पेमेंट फीस है वो आपको देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी की बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके गूगल पे के थ्रू अपने बिल्स का पेमेंट करोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का बिल हो, इंटरनेट, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, आप जब भी इन जगहों पर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके गूगल पे के थ्रू स्पेंडिंग्स करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और ये सारी जगह ऐसी है जहां पे हर मंथ आप स्पेंडिंग करते ही करते हो, तो अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको सीधे सीधी 5% का जो बेनिफिट है वो हो जाएगा। वही भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप जोमैटो में स्पेंडिंग करोगे, ओला में स्पेंडिंग करोगे, स्विगी में स्पेंडिंग करोगे तो इन जगहों में आप जितना भी आप अमाउंट स्पेंड करोगे उसका 4% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और जो इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे इन्होंने कैशबैक में कोई भी कैपिंग नहीं लगाया है, मतलब कि जितना ज्यादा स्पेंड करते जाओगे उतना ज्यादा कैशबैक आप यहाँ पे आप अर्न करते जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग में स्पेंडिंग करते हो, वॉलेट लोड्स करते हो, आप रेंट वगैरह का पेमेंट करते हो तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैशबैक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। जैसे कि वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री खाना दिया जाएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस अगर आपको सर्व किए जाएंगे, आप वहां पे फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हो, आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, टीवी देख सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराओगे किसी भी पेट्रोल पंप से और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 से लेके 4000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 500 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग। तो अगर आप एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू
20% का डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे चले जाओ और अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको EMI का भी ऑप्शन मिलता है। मान लो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे बैक कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको जो एज है वो 18 से लेकर 70 के बीच का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको चार मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड, दूसरा हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया रेसिडेंस प्रूफ, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे अपना ITR सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरिया को मीट कर लोगे तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।